दोस्तों, टूरिज़्म यानी कि पर्यटन। अब भारत पर्यटन से बहुत पैसे कमा रहा है। हमारी जो पोजीशन है वो बीते 4 सालों में 18 पायदान अच्छी हो गई है। सो दिस इज़ व्हाट इट सेज, इन 4 years इंडिया जंप्स 18 स्पॉट्स ऑन वर्ल्ड टूरिज़्म इंडेक्स। सो 4 सालों में हमने 18 अच्छे पायदान चढ़ लिए हैं और अब हमारी गिनती जो है 34वें नंबर पे आती है। वर्ल्ड में स्पेन, जो एक यूरोप में देश है फ्रांस के पास, वो नंबर 1 है। तो पहले तो देखते हैं कि हमने कितने पायदान चढ़े, कैसे स्केल नापा जाता है। और तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 2015 में इंडिया की जो रैंक थी वो थी 52 आउट ऑफ 141, यानी कि 52 हमारी रैंक थी, जिसमें 141 देशों को सर्वे किया गया था। ये 2017 में 12 पायदान अच्छी हुई और 40 तक पहुंच गई। स्केल अच्छा हो गया 4.2, तो स्केल 7 मार्क्स होते हैं मैक्सिमम, हमारे थे 4.2। अब 2019 में ये और अच्छी हो गई है, 6 पायदान और अच्छी हो गई है और अब हमारा जो रैंक है वो हो गया 34, 140 देशों के सर्वे में। अब जब पर्यटन की बात हो रही है तो हम ये भी देखते हैं कि हमें पर्यटन से फ़ायदा क्या हो रहा है। तो फ़ायदा क्या हो रहा है भाइयों, 1.5 करोड़ जो विदेशी टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं, वो हमारे देश में आए 2017 में। ये वर्ल्ड बैंक का कैलकुलेशन है। और हमने $2.7 बिलियन इनसे कमाया। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, $1 बिलियन लगभग 7,000 करोड़ के बराबर होता है, अगर आज के 1 रुपये को, $1 को 70 रुपये के मुकाबले देखें तो। तो हमने $2.7 बिलियन कमाए, US डॉलर्स। अब आजकल हम जैसे कि जीडीपी की बड़ी बात करते हैं, जीडीपी गिरकर 5 हो गया है, रिसेशन आ गया है, स्लो डाउन आ गया है। तो दोस्तों, हमें एक तरीके से खुश होना चाहिए कि हर एक देश में कोई ना कोई सेक्टर ऊपर नीचे चढ़ता रहता है। अब ऑटो इंडस्ट्री का रिसेशन आना लाजमी था, क्योंकि बहुत गाड़ियाँ हो गई हैं और सड़कों पे जगह नहीं है। तो अब हम फिलहाल आज बात हम पर्यटन की कर रहे हैं और पर्यटन ने इसमें भरपूर योगदान दिया है। देश में 3.6% जो शेयर है वो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री का है जीडीपी में। 2.8 करोड़, 2.8 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं, अपना रोटी कमा रहे हैं, इसमें रोजगार अर्जित कर रहे हैं। अब हम ये भी देख लें कि बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, क्राइटेरियाज हैं, उसमें हमारा देश भारत कहाँ खरा उतरा है, कहाँ बड़ा है और कहाँ उतरा है। अब इसकी जो बेस है वो 2017 है और 2019। अब जैसे कि हम देख सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें जो है हमारी रैंकिंग अच्छी हुई है। 2017 में 24 थी, अब अच्छी हो गई है, 14 हो गई है। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे पर्यटन वाले केंद्र हैं, जैसे मसूरी हो गया, ये हो गया। अब इसमें पर्यटन क्यों अच्छे जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जाने की सुविधाएं अच्छी हो गई हैं, उनकी मार्केटिंग अच्छे से हो रही है। तो हमने जो है अपने जो, अब आगे बात करें कल्चर रिसोर्सेज एंड बिजनेस ट्रैवल की। अब जैसा कि हम देख रहे हैं, कुछ सालों में हमारा देश का जो बिजनेस, व्यापार, ट्रेड,
एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इसमें सरकार की ना केवल इवन लोगों की रुचि बढ़ी है और काफ़ी आदान प्रदान हो रहा है। बहुत सारे बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो इसमें भी हमारी रैंकिंग 9 से 8 हो गई है। बिजनेस एनवायरनमेंट जैसा कि मैं बात कर ही रहा था, हमारी जो रैंकिंग है 89 से 39 हो गई है, ये काफ़ी सराहनीय है। बट जहाँ तक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का सवाल है, इसमें हमारी जो रैंकिंग है थोड़ी बिगड़ी है। जो 2017 में 114 थी, अब 122 हो गई है। जैसे कि हम देखते हैं, निर्भया कांड हो गया, आए दिन हम लूटपाट, रेप और एयरपोर्ट्स या रेलवे में डकैतियों की बातें सुनते हैं, तो इससे हमारे देश की जो इमेज है वो ख़राब होती है। सिमिलरली हेल्थ एंड हाइजीन, अब हेल्थ एंड हाइजीन की अगर बात करें, तो जिस तरह की हमारा स्नैक्स हैं, होटल इंडस्ट्री है, या जैसे कि रेलवे में जो अक्सर हम लोग IRCTC और ये जो पेंट्री में खाना है गंदा पहुंचा, ये शिकायत वो शिकायत, ऐसी अक्सर बातें होती रहती हैं। और हॉस्पिटल्स भी अच्छे नहीं हैं, मान लो कोई पर्यटन आता है तो वगैरह वगैरह, तो ये हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड रहती है। ह्यूमन रिसोर्स एंड लेबर मार्केट, अब बिजनेस में रुचि होना, हमारे लोगों की बिजनेस को बढ़ोतरी देना, बट अब भी हमारे देश में जो बहुत सारी जनसंख्या है, बहुत सारी जनसंख्या जो अभी भी स्किल्ड नहीं है, टैलेंटेड नहीं है। अब हम पर्यटन की बात करें, तो अब कैब का ड्राइवर, जहाँ घूमने जा रहे हैं वहाँ का गाइड, वहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको डील करना नहीं आता अपने विदेशी पर्यटकों से। कई बार डोमेस्टिक ट्रैवल्स को भी बड़ी हरासमेंट होती है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रेडीनेस, खैर अभी तो अच्छी अच्छी वेबसाइट्स आ गई हैं टूरिस्ट को गाइड करने के लिए, वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन रहती है अवेलेबल, बट फिर भी अभी भी टेक्नोलॉजी के मामले में हम थोड़े पीछे हैं। फिर भी हमारी इंप्रूवमेंट हुई है, 112 से 105 आ गए हैं। सिमिलरली प्राइस कंपटीशन, अब यूँ बात करें तो हमारा देश सस्ता है, बट हमारे देश से भी सस्ते और देश हैं, जैसे कि थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका, फिलीपींस, मॉरिशस, मलेशिया, ये हमसे थोड़े सस्ते पड़ते हैं। सेशल्स, मालदीव, तो ज़्यादातर लोग फिर वहाँ चले जाते हैं क्योंकि डॉलर के मुकाबले वहाँ पर पड़ती है। ऐसे ही साउथ अमेरिका में कंट्रीज़ हैं कुछ, वो और भी हमसे सस्ते हैं। प्रायोरिटाइजेशन ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज़्म, इसमें बड़ी है क्योंकि हमारे देश में खासकर मोदी जी ने ट्रैवल एंड टूरिज़्म पे बहुत जोर दिया है। जैसा कि अभी हमने देखा, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट कितना लाइटों से, LED से सजाया गया, इंडिया गेट तो कुतुब मीनार को लाइटिंग की गई है दिल्ली में, तो ऐसे बढ़ोतरी हुई है। और हाल ही में अभी मैंने पढ़ा था कि एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया, इस बार साउथ इंडिया में टूरिस्ट बहुत जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर फेयर प्रैक्टिस है, नॉर्थ इंडिया में थोड़ा चीटिंग ज़्यादा होती है। इंटरनेशनल ओपननेस, इधर भी हमारी रैंक अच्छी हुई है, 55 से 51 हो गई है। सिमिलरली इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, अब पॉल्यूशन दिल्ली में सर्दियों में आना थोड़ा मुश्किल है, यहाँ पॉल्यूशन बहुत है, तो फिर भी हमारा काफ़ी इसमें हस्तक्षेप रहता है आजकल सरकार का, और दिल्ली में भी धीरे धीरे पॉल्यूशन कंट्रोल हो रहा है, ट्रैफिक सिस्टम्स थोड़े से बेटर होने लगे हैं, बट अभी भी टाइम लग रहा है। फिर भी हमारी जो रैंकिंग है 134 से 128 हो गई है। सिमिलरली एयर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बेटर है, बट ठीक है, ज़्यादा ख़राब भी नहीं हुआ है, 32 से 33 हुआ है। ग्राउंड एंड पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, 29 से 28 हो गए, एक रैंक बढ़ गया, अच्छा हो गया। टूरिस्ट सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है, बट फिर भी 110 से 108 हो गया। अब ये बात हो रही थी हमारे कंट्री की, अब हम देखते हैं कि पूरे दुनिया भर में कौन से देश कैसे कर चल रहे हैं। अब जो विदेशों में सबसे बेस्ट कंट्रीज़ कौन से हैं जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म में बहुत पैसे कमा रहे हैं और उनका बहुत नाम है, पहले पायदान पे है स्पेन, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद जर्मनी, जापान, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा एंड स्विट्ज़रलैंड, ये दुनिया भर के सबसे अच्छे कंट्रीज हैं जिनमें बहुत सारे लोग जाते हैं और सराहनीय और प्रशंसा करते हैं। अब देखें, इसमें ये भी एक कंपैरिजन दिया गया, अब नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में मेक्सिको सबसे बढ़िया है, कल्चर रिसोर्सेज एंड बिजनेस ट्रैवल के मामले में चाइना बहुत बढ़िया है, बिजनेस इन्वायरमेंट में हांगकॉन्ग सबसे बढ़िया है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में फिनलैंड का बहुत नाम है, हेल्थ एंड हाइजीन में ऑस्ट्रिया का बहुत नाम है, ह्यूमन रिसोर्स एंड लेबर मार्केट में US का बहुत नाम है, वहाँ पर लेबर लॉज ये वगैरह बहुत
लचीले हैं, फ्लेक्सिबल हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रेडीनेस हांगकॉन्ग का बहुत नाम है। प्राइस कम्पिटिटिवनेस में ईरान बहुत सस्ता है। प्रायोरिटाइजेशन ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म, माल्टा का बहुत नाम है। इंटरनेशनल ओपननेस, न्यूजीलैंड का बहुत नाम है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, स्विट्ज़रलैंड का बहुत नाम है। अब स्विट्ज़रलैंड की अक्सर तारीफ होती है, वहाँ पर एनवायरमेंट बहुत रिच है, प्योर ऑक्सीजन है। एयर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में कैनेडा का बहुत नाम है। ग्राउंड एंड पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में हांगकॉन्ग का बहुत नाम है। टूरिस्ट सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर में पुर्तगाल का बहुत नाम है। तो इन देशों से हमें कुछ सीखना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों, ये था पर्यटन के बारे में। तो हमें ना केवल ऑटो सेक्टर पे निर्भर रहना चाहिए अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, हमारे पास बहुत सारे अवसर हैं जिससे हम देश में पैसा कमा सकते हैं।